तो दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए और भी कमाल की टेक न्यूज़। और दोस्तों आज की जो टेक न्यूज़ होने वाली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो गाइस यार वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहेगा। साथ ही गाइस हमें सपोर्ट करना ना भूले यार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि गाइस ऐसे ही और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। चलिए गाइस शुरू करते हैं, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ हिंदी। चलिए गाइस शुरू करते हैं यहाँ पर सैमसंग से, और सैमसंग A52 4G और 5G जो मॉडल होने वाले दोस्तों, इसकी जो स्पेसिफिकेशन और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो कुछ हद तक लीक हो चुकी है। चलिए गाइस फटाफट से इन स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर यह सैमसंग A52 का जो मॉडल होने वाला है 4G, यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही गाइस A52 का जो 5G मॉडल होने वाला है गाइस, यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों बात करें और स्पेसिफिकेशन की गाइस, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली, 4500mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग। गाइस बैक में चार कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा होगा 64 MP का और 32 MP का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही गाइस यहाँ पर जो सैमसंग A52 होने वाला है दोस्तों 5G वेरिएंट, इसके अंदर आपको IP67 की रेटिंग भी देखने को मिलेगी। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन का वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट के साथ में देखने को मिल सकता है। गाइस अगर बात करें यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो इनकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दोस्तों, ये 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। गाइस ये जो दोनों स्मार्टफोन होने वाले हैं, ये मार्च एंड में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। तो गाइस इनकी प्राइस और इनकी स्पेसिफिकेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की गाइस, और अगली खबर यहाँ पर रेडमी की तरफ से। रेडमी नोट 10 सीरीज दोस्तों फाइनली यहाँ पर इसकी जो लॉन्च डेट है वो सामने आ चुकी है। ऐसे जो स्मार्टफोन है ये 4 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो आपको 4 मार्च को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको LCD या फिर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो गाइस जो भी कन्फ्यूजन था 4 मार्च को बिल्कुल भी क्लियर होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगली खबर की गाइस, और अगली खबर यहाँ पर रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी नार्जो 30 जो सीरीज होने वाली है, यहाँ पर आपको रियलमी नार्जो 30 प्रो और रियलमी नार्जो 30A, इन दोनों का जो ऑफलाइन पोस्टर है दोस्तों ये सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर गाइस। और यहाँ पर आपको Realme Narzo 30 Pro के अंदर 800U Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिला, जो कि एक 5G प्रोसेसर है दोस्तों। और साथ में गाइस ये जो स्मार्टफोन है ये एक चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है इंडिया के अंदर। साथ ही गाइस इनकी जो लॉन्च डेट है वो भी कन्फर्म हो चुकी है गाइस। तो ये जो स्मार्टफोन है ये 24 फरवरी को लॉन्च होने वाले गाइस। लेकिन गाइस Realme Narzo 30 जो स्मार्टफोन होने वाला है, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। गाइस अगर बात करें यहाँ पर अगली खबर की दोस्तों, तो यार यहाँ पर एप्पल की तरफ से कुछ खबर आ रही गाइस कि एप्पल अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर काम कर रहा है, जहाँ पर गाइस आपको एप्पल पेन भी देखने को मिलने वाली है। गाइस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार इन स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस आई होप कि आपको ये टेक न्यूज़ पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूले यार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।